नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में कल योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित देश के कई अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। साथ ही देश के कई मंत्री, बड़े बड़े नेता, दिग्गज भी इस समारोह में मौजूद थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ के तरफ से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अब जो हैं अखिलेश यादव, वो बन चुके हैं और उन्हें उस समय वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शपथ समारोह में मौजूद नहीं थे। लेकिन भाजपा पे ये हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है और वो हमेशा हिंदुओं की बात करती है और हमेशा हिंदू और मुसलमान की तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री कैबिनेट पद का विस्तार होने पे इस एक नया मोड़ सामने आया है। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में, योगी के कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरे को मंत्री पद दिया गया है। आपको बता दें कि ये कौन है, यह ऐसे मुस्लिम, इकलौते ऐसे मुस्लिम मंत्री जो योगी के कैबिनेट में जिनको जगह दी गई है। आपको बता दें कि योगी के कैबिनेट के इकलौते जो मंत्री मुस्लिम मंत्री हैं वो दानिश अंसारी हैं। दानिश अंसारी के बारे में आपको बता दें कि दानिश अंसारी बचपन से ही वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए रहे हैं। दानिश अंसारी लखनऊ विश्वविद्यालय में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ली और लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो काम कर चुके हैं। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी उन्होंने संभाला था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया और आज वो योगी के कैबिनेट का राज्य मंत्री पद भी दिया गया है। ऐसे में राज्य मंत्री पद के बाद दानिश अंसारी ने कहा कि हम जो हैं युवाओं के लिए काम करेंगे और मुस्लिमों के युवाओं के लिए हम बेहतर काम करेंगे। और उन्होंने सीधा हमला समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पे किया है कि कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी ये ना समझे कि वो सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करेंगे, मुस्लिम उनका वोट बैंक है, वो इस गलतफहमी में ना रहे। उन्होंने साफ निशाना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और उनके विचारों से जुड़े रहने और उन्होंने पार्टी का धन्यवाद किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।